देखिए देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें। भारतीय सैन्य अकादमी से आज 331 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों के 42 कैडेट्स भी पास आउट होंगे। पासिंग आउट परेड की सलामी इस बार सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे लेंगे। अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ड्रोन उड़ाने से लेकर बाहर फोटो खींचने तक की पाबंदी है। इसके बावजूद किसी ने एयरफोर्स स्टेशन की ऊपर से ली गई तस्वीर के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भाग को दिखाया है। 2 जून से यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर के शीर्षक में अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन एरियल व्यू लिखा है। मध्य प्रदेश में 10 जून को एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रदेश की गरीब एवं मध्यम वर्ग की 125,000 बहनों के जीवन में उजास लाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना से 1,000 रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर मुख्यालय से शाम 6 बजे राज्य स्तरीय समारोह में बहनों से संवाद करेंगे और सिंगल क्लिक से राशि ट्रांसफर करेंगे। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पार्टीगेट मामले पर संसदीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। संसदीय समिति ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर डाउनिंग स्ट्रीट पर पार्टी करने पर संसद को गुमराह करने के लिए उन पर कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा में हुआ रेल हादसा देश में हुए सबसे बड़े रेल हादसों में से एक है। यही वजह है कि इस हादसे को लेकर राजनीति भी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा और तेजस्वी सूर्य सहित कर्नाटक के 4 भाजपा सांसदों ने शुक्रवार को बालासोर ट्रेन दुर्घटना के सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा। इससे पहले 5 जून को खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मोदी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे। पत्र लिखने वाले भाजपा सांसदों में तेजस्वी सूर्य, पीसी मोहन, एस मुनिस्वामी और सदानंद गौड़ा शामिल हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को पुणे के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अनिल गणपतराव प्रामोद के परिसरों पर छापेमारी की और करोड़ों रुपए के संपत्ति के दस्तावेजों के साथ 6 करोड़ रुपए की नकदी भी जब्त की। इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ने रामोद को 8 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने रामोद के खिलाफ FIR दर्ज की थी। रामोद पुणे संभाग में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के पद पर तैनात हैं। मलेशिया के प्रमुख भरतनाट्यम वादक श्री गणेशन शुक्रवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक सांस्कृतिक समारोह में नृत्य करने के बाद मंच पर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें शहर के एक अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्री गणेशन मलेशियाई नागरिक थे। वो कुआलालंपुर स्थित श्री गणेशालय के निदेशक भी थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब गोपनीय दस्तावेजों से जुड़े मामले में ट्रंप के खिलाफ आरोप लगे हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। गोपनीय सूचनाओं को अपने पास रखने के मामले में ट्रंप के खिलाफ लगे संघीय आरोपों को सार्वजनिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री बनना नहीं विपक्ष को एकजुट करने का है लक्ष्य। गैर भाजपा दलों के नेताओं से हर मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह बयान देने से नहीं चूकते। हालांकि हकीकत इसके उलट है। नीतीश उन दलों को भी साथ कर चल रहे हैं जिनका कांग्रेस के कारण विपक्ष के जमावड़े में शामिल होना मुश्किल दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले महीने से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के दौरान जमीन से लेकर आसमान तक पैनी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ यात्रियों की सुविधा के लिए रात में भी श्रीनगर और जम्मू से हवाई सेवा उपलब्ध कराने को कहा। शाह ने शुक्रवार को 2 महीने तक चलने वाली यात्रा के लिए की जा रही सुरक्षा तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।